दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वेग सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट के सेल के डील भी रिवील हो गए हैं। कुछ डील्स के पिछले मैं वीडियो बना चुका था जब कर्टन रेजर सेल थे, उसमें ऑलमोस्ट वही ऑफर थे, उसमें से कुछ बताऊंगा। कुछ और जानना है तो आप जाके वहां पे देख लीजिए, 10 के आसपास ही डील्स हैं, उसमें से आधे तो बता ही दूंगा। दो चार ऐसे डील्स हैं जो मुझे नहीं जमे इसलिए उसको मैंने इस वीडियो में नहीं लिया। यहाँ पे 25 स्मार्टफोन की डील बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पे, जो अच्छी है मेरे हिसाब से। मतलब सारी डील्स खुलूंगा तो 60-70 के आसपास हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो डील ठीक ठाक है, अच्छे हैं, वो डील्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और अमेजोन के 30 स्मार्टफोन की भी डील वीडियो आ चुका है कल का, जाके जरूर देखिए एंड बताइए कैसा लगा वीडियो अगर देखना है तो। इसके बाद पॉसिबली कोशिश करूंगा एक वीडियो ऐसी बनाने की कि दोनों वेबसाइट पे सबसे अच्छी डील्स 10-15 जो भी रहेंगे सबसे अच्छी वाली वो बताने की। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सबसे पहले बता दूं फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल 17 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। कुछ नए फोन भी हैं जो इस सेल में आने वाले हैं जिसकी 25 डील बताने वाला हूं। ICICI के कार्ड पे डिस्काउंट है, वैसे डिस्काउंट बहुत ही तगड़े है। जैसे कि आपके पास अगर ICICI क्रेडिट कार्ड है तो 750 रुपए पूरे ऑफ मिलने वाले हैं आपको। आप बात कर रहे हैं? चलो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो पूरे के पूरे 250 रुपए कटेंगे। मतलब तगड़ी वाली डील लिटरली। चलिए नहीं जमा तो इसके बाद नो कॉस्ट EMI है, कुछ एक्सचेंज ऑफर भी है, प्रीपेड वाले भी ऑफर हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो। बाहर से आवाज आता है तो माफ कर देना, साइड में माइक्रो साइड आते रहेंगे, डील्स मैं यहाँ से देख के बताते रहूंगा। शुरू करते हैं। पहला डील है Vivo X70 Pro 47,000 का है, कार्ड का 750 एंड 4,000 रुपए प्रीपेड एक्सचेंज वाला है। टोटल ये स्मार्टफोन दोनों ऑफर लगा के आपको 42,250 रुपीज में मिल जाएगा। अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, 50,000 के नीचे का बजट है, देख सकते हो। मोटो S20 फ्यूजन 22,000 का फोन है, सेल में 21,000 में आएगा, 750 रुपए कार्ड वाला ऑफर लगाओगे 20,250 में मिल जाएगा, देख सकते हो। इसकी तरफ डील अच्छी है मेरे हिसाब से, ठीक ठाक सी है। Xiaomi 11 है 25,000 का है, टोटल सारे ऑफर्स लगा के 3,500 कट हो रहे हैं अगर आपके पास कार्ड है तो। चलिए 21,500 में मिल जाएगा, जो प्रीपेड वाला ऑफर उनका न्यू ईयर का है, देन उसके बाद कार्ड वाला ऑफर मिला के ये 21,500 में आ रहा है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। पोको F3 GT Dimensity 1200 वाला 27,000 का है, कार्ड लगाते हो 750 रुपए ऑफ हो जाएगा, 26,250 में मिल जाएगा। डिसेंट टाइप की डील है, मतलब बहुत अच्छी दोनों कहूंगा, डिसेंट टाइप की है। Realme 8i इसकी तरफ देख सकते हो, काफी तगड़ा है, मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जिस प्राइस में मिल रहा है। 14,000 का फोन है, 2,000 का एक्सचेंज का ऑफर है, 750 रुपए कार्ड वाला ऑफर है, टोटल आपको 11,250 रुपए मिल जाएगा। 11,250 में Realme 8i बहुत अच्छी डील है, देख सकते हो। Samsung F12 11,500 का फोन है, सेल में 9,700 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 970 रुपए का ऑफ हो जाएगा, 8,600 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। नार्जो 50 है, अगर आपका बजट 6,500 के आसपास का है तो इसको देख सकते हो, 7,500 का है, इसके ऊपर 500 रुपए का एक्सचेंज प्रीपेड वाला ऑफर है, तो 7,000 होता है, 7,000 का में से 700 रुपए आपका और कट जाएगा, 6,300, अच्छी डील है, देख सकते हो। अगर आपका बजट 6,000 के आसपास का है, डील अच्छी है। रियलमी 8 6GB 128GB अभी तक सारे ऑफर लगा के 15,000 में आता था, 17,000 का फोन है, अब और कम में आ रहा है, 17,000 का है, कार्ड का 750 और इसके ऊपर एक्सचेंज प्रीपेड का 2,500 रुपए का ऑफ है, तो ये आपको 13,750 में मिलता है। लेना चाहते हो 14,000 के अंदर फोन, आंख बंद करके इसको ले लो, 6GB 128GB कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सारी चीजें अच्छी है। मास्टर GTME रियलमी GTME मास्टर एडिशन जो है 26,000 का है, 4,000 आपको एक्सचेंज प्रीपेड का मिलता है, 750 कार्ड का, 21,250 में मिल जाएगा, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। चलिए अच्छी चीज है। देन इसके बाद नार्जो 50A ये स्मार्टफोन 11,500 का है, इसके ऊपर 1,000 रुपए एक्सचेंज प्रीपेड का है, 750 रुपए आपको कार्ड का मिलेगा, दोनों मिला के आपको 9,750 में मिल जाएगा, डील अच्छी है, देखना चाहते हो देख सकते हो। iPhone 12 मिनी अगर आपको आईफोन चाहिए 42,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 750 का ऑफ हो जाएगा, 41,250 मिल जाएगा। अगर आईफोन ही चाहिए 40,000 के आसपास की बजट में तो देख सकते हो इसकी तरफ, काफी छोटा है बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो। माइक्रोमैक्स का नोट 1 9,500 का है, कार्ड लगाओगे 750 का ऑफ हो जाएगा, 8,750 में मिल जाएगा, फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, G85 का चिपसेट है, सारी चीजें हैं, 8,500 के हिसाब से मैं कहूंगा डिसेंट डील है। अब इन्फिनिक्स के कुछ डील्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 है 13,000 का फोन है, कार्ड लगाओगे 750 रुपए का ऑफ हो जाएगा, ये 12,250 मिल जाएगा आपको, सारी चीजें अच्छी मिलती है इसमें, G96 का चिपसेट है,
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला फुल एचडी प्लस का पैनल है, 33 वाट का चार्जर है, बड़ी बैटरी है, सारी चीज़ें मिल जाती है। इसी का छोटा भाई है नोट नहीं, हॉट 11S, अंडर 10,000 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन, 11,000 का है, 10,000 में आ रहा है सेल में, कार्ड लगाओगे 750 ऑफ हो जाएगा, 9,250 में मिल जाएगा। इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले मिलता है, GT8 का चिपसेट है, फास्ट चार्जर है, सारी चीज़ें अच्छी मिलती है, देखना चाहते हो देख सकते हो। iPhone 12 54,000 का है, 750 ऑफ हो जाएगा, 53,250 मिल जाएगा, देखना चाहते हो 53,000 के आसपास में डील ठीक है, देख सकते हो इसकी तरफ। Realme GT Neo 2 32,000 का है, इसके ऊपर 4,000 का प्रीपेड एक्सचेंज है, 28,000 हो जाता है, 750 आपको कार्ड का ऑफर है, 27,250 के आसपास आपको मिल जाएगा। जो लोग देखना चाहते हो, कुछ लोग पूछ रहे थे 25,000 के नीचे कब आएगा, अभी तो नहीं है फिलहाल, अगले सेल का वेट कर सकते हो अगर आपको 25,000 के नीचे ही चाहिए तो। Realme 8 5G 17,000 का फोन है, सेल में ये 15,500 में आने वाला है, यानी 1,500 कम हो जाएगा डायरेक्ट, 750 रुपये कार्ड का तो 14,750 में आपको मिल जाएगा, अगर आपको 5G फोन चाहिए Realme की तरफ से, डिसेंट, इसके कैमराज अच्छे हैं, देख सकते हो इसकी तरफ। पोको M3 Pro 14,000 का फोन है, कार्ड लगाओगे 750 का ऑफ हो जाएगा, 13,250 में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन, सबसे चीपेस्ट Amazon पे है Redmi Note 10T, याद है ना, वो 12,000 के आसपास कुछ आता है ऑफर लगा के, फ्लिपकार्ट पे सबसे चीपेस्ट ही वाला है। Samsung F22 12,000 का, कार्ड लगाओगे 750 ऑफ हो जाएगा, 11,250 में मिल जाएगा, Samsung का फोन चाहिए, 11,000 के आसपास की बजट है, डिसेंट सी डील है। इसके अलावा आप देख सकते हो 12,000 के आसपास के बजट में Samsung M32 Amazon पे। Realme 8S 5G यही लावा वाले एक्सचेंज करने के लिए कह रहे थे, चलिए 18,000 का फोन है, 750 रुपये कार्ड का लगेगा, 17,250 मिल जाएगा, लावा से बेटर रही है, देख सकते हैं। मोटो G40 फ्यूजन 14,500 का फोन है, 500 रुपये एक्सचेंज का, 750 कार्ड का, 13,250 में आ जाएगा, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। पोको X3 प्रो गेमिंग फोन चाहिए 20,000 के नीचे, 19,000 का है, कार्ड लगाओगे 750 का ऑफ हो जाएगा, 18,250 में मिल जाएगा, गेमिंग के लिए अगर फोन चाहिए तो देख सकते हैं इसकी तरफ। इन्फिनिक्स नोट 11 ये भी अच्छी डील है, सुपर एमोलेड 30 वैट फास्ट चार्जर, G88 का चिपसेट आपको 12,000 के नीचे। स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 11, 12,500 का है, कार्ड लगाओगे 750 ऑफ हो जाएगा, 11,750 में मिल जाएगा, कोई स्मार्टफोन ये फीचर इस प्राइस में नहीं देता, देख सकते हो। मोटो G31 13,000 का फोन है, 750 रुपये कार्ड का करोगे तो 12,250 में मिल जाएगा, नया फोन है, देखना चाहते हो, ये भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, सारी चीज़ें आती हैं, देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो। मोटो G51 मोटो का चीपेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला, 15,000 का, कार्ड लगाओगे 750 ऑफ हो जाएगा, 14,250 में ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो, डील अच्छी है। ये 25 स्मार्टफोन मेरे हिसाब से जो डील्स में अच्छे हैं, इसके अलावा कोई ऑफर मुझे नहीं जमा। आपको कोई अगर ऐसा पता चला हो जो मैंने नहीं बताया हो और अच्छा ऑफर हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड कोई चीज़ पूछनी आ जाइए इंस्टाग्राम पे, सब कौन सा मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद है, साइड में देख लो, बैकटे में जो उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कहना चाहता, तभी दोस्तों जय हिंद।